पंचाली, ओ पंचाली। अरे दुशासन तू लेकर बाहर महल पे, पहले तो बोलने की तमीज सीख ले तू। पंचाली महल से बाहर निकल, तमीज में बोल, तमीज में बड़ी भाभी हूँ मैं तेरी। बड़ी भाभी के साथ ऐसे कहो कि भाभी माँ, भाभी जी जरा बाहर आए। बड़ी भाभी को इज्जत से जब बोला जाता है, जब बड़ी भाभी एक भाभी जैसे कानून कायदा में रहे, भाभी जैसे कानून कायदा करे। क्यों तेरे साथ क्या बदमाशी कर दी? मान और मर्यादा को भूल चुकी है, ऊंच नीच के ख्याल को भूल चुकी है। तुझे सारे ख्याल हैं? छोटे बड़े का आदर मान भूल चुकी है, इसलिए तुम्हें आज मेरे साथ चलना होगा। ऐसा है, जहाँ से आया ना अपना रास्ता नाप ले, नहीं यहाँ से पिट पिटा के और जाएगा तू मुझ पे। तुम्हें आज मेरे साथ चलना होगा पंचाली। मैं तेरी कोई जागीर नहीं हूँ। अरे ना तो तूने मुझे खरीद रखा, जब तू बोलेगा और मैं करूंगी। तो यूं तो पूछ लेती कि जाना कहाँ है। क्यों पूछूं मैं? तमीज में बोल भाभी जी। हो सके जगह का नाम सुनते ही तेरे मन में, तेरे मुंह में पानी आ जाए, हाँ चलूंगी। चल इतनी जिद कर रहा है तो बता कहाँ चलूं, कहाँ लेके जा रहा है? नांगल चौधरी। क्यों नांगल चौधरी में ब्याह आया तू? जाट धर्मशाला में। अच्छा हाँ, ऐसा है, साफ साफ बता दे कि क्या कहना चाह रहा है। आज तुम्हें मेरे बड़े भाई युवराज दुर्योधन ने याद किया। जाके बोल दे अगर तेरे भाई को मुझसे कोई ज्यादा जरूरी काम है और ज्यादा जरूरी बात करनी है तो यहाँ आके बात करेगा, ये द्रौपदी कहीं नहीं जाएगी। ना जाने का कारण? आज मेरा रजोसला का भेष है, आज मैं अपने बड़ों के सामने नहीं जा सकती, उनके दर्शन करने भी मेरे लिए आज पाप है। अच्छा हाँ, आज तुम्हारा रजोसला का घात है। हाँ, अपने से बड़ों के तुम दर्शन भी नहीं कर सकती। हाँ, कर ले दर्शन फायदे में रहेगी ना, हो सकता है कि दर्शन करके प्रसन्न हो जा। काम की बात नहीं कर रहा है, ऊटपटांग बोल रहा है, पता नहीं क्या कि क्या बक्सर का काम। बोल, हमें गंदा कहने वाली ने और मेरे बड़े भाई ने आदेश दिया है कि दुशासन ले पकड़ सभा में अंधा कहने वाली। ओ तेरे तो मुंह से वो निकला बोल दुर्योधन के दिल पर रंदा जैसा काम कर गया। अच्छा तो ये फिल्म है, मैं नहीं जाने वाली, कितना भी कह ले। तो मैं चलना पड़ेगा? नहीं जाऊंगी मैं, पहले समझा दूं। सुन मेरी बात। सुना हो कितने इनाम और कितनी भी ताने लगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। और ये द्रौपदी चाल चाल मेरे संग में। अच्छा पागल है। अरे वो अंधे का अंधा याद कर तो जाके बोल दे उस अंधे के अंधे को। देख सुनो हाँ, उसको दिखता नहीं है और जिसको दिखता नहीं हो उसके सामने जाने में कोई हर्ज नहीं होता। उसे ही तो ही नहीं दिखता, सबको तो दिखता है, बाकी सब तो ठीक हाँ, है ना? थोड़ा सा कानों से तेरी पायल की छमछम जरूर सुन सकता है, क्योंकि वो अंधे का अंधा है, उसे दिखाई नहीं। बड़ी भाभी की बेइज्जती करना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। इज्जत नहीं कर रहा तू। अरे वो बड़े हैं अंधे हैं, तू तो पटक पटक मार रहा है बातों से। हो सकता है कि आपकी पायल की छमछम सुने तो हो सकता है कि आंखों की रोशनी आ जाए। कितना राजी हो रहा है ये, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और सुन मेरी बात, उसे एक जाके संदेश मेरा भी दे दे। अच्छा हाँ, और कह दे कि बताऊं क्या क्या मैं सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत बर्बाद करे। सभा में जाने लायक ना मेरी तू इज्जत।
खाने की चीज है, पहनने की चीज है, पीने की चीज है, ओढ़ने की चीज है, बिछाने की चीज है, पेप्सी है, इज्जत। हाँ, और वो तेरे पास है। हाँ। जब तुम्हें वैसे तो कहते हो कि हम हस्तिनापुर के राजकुमार हैं। हाँ। इतना घमंड तुम्हारी नस नस में भरा है, तुम्हें ये नहीं पता कि इज्जत क्या होती है? बताओ इज्जत क्या होती है? क्या होती है? तू इज्जत नहीं के जाने। तू इज्जत नहीं के जाने जब तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। सेड़ा कर ले मुंह जले जागा, खाना अच्छा गर्म नहीं। हृदय होता नरम नहीं। तुम बहु बेटी ने बुरा बको हो, वो छतरी का छतरी है। बहु बेटी ने बुरा बको हो, वो छतरी का नरम नहीं। मने हलकारा मत ना जाने, मने हलकारा मत ना जाने। तू तो मत ज्यादा बकवाद करे, सिर पड़ जाऊंगी तेरे दुशासन। सिर पड़ जाएंगी दो शासन, तो मत ना गणी। अनाद करे, अनाद हम कर रहे हैं या तू करके बैठी है? तू कर रहा है। अरे छोटे से मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें तू बोल चुकी है, और आज भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मैंने तुझे क्या कह दिया? आज तुझे सभा में तो ले जाऊंगा। और मैं सभा में जाऊंगी नहीं। तू जाएगी गारंटी है? नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू राजी से चले। अच्छा, तू कायदे से चले तो फायदे में रहेगी। तेरे सिर पड़ जाऊंगी, क्या फायदा उससे? क्या सिर पड़ जाएगी तुम्हारे? सिर पड़ जाऊंगी मैं तेरे। क्या सिर पड़ जाएगी बताइए? जबरदस्ती ले जाएगा? हाँ, ले जाऊंगा। जबरदस्ती ले जाएगा? हाँ, ले जाऊंगा। कभी ना ले जाए? हाँ, ले जाऊंगा। और तू हमारी अनाद बता। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा देवर, मेरा छोटा देवर, बता तू क्या खाएगा? जलेबी, समोसे, कोई चटपटा, कोई मीठा, प्यार से बात कर और चला जा। चुप चल। जो बातें मेरे से कर रही है, ये बातें जाकर के दुर्योधन से करोगी तो उसका दिल ठंडा हो जाएगा। ऐसा है, दुर्योधन मेरा जेठ है, तू मेरा देवर है। तो कोई बात नहीं, जाकर के यूं पूछ लेना, जेठ जी क्या खाओगे, क्या पियोगे, तुम्हारी इच्छा क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं पूछूं। हो सकता है कि मेरे बड़े भाई दुर्योधन का गुस्सा ठंडा हो जाए। ऐसा है, तेरे बड़े भाई को गुस्सा आ रहा है तो मुझ पे ठेका नहीं है, इस बात का आ रहा है तो आने दो, मेरा क्या बिगाड़ेगा उसका गुस्सा? तुम्हारी अनाद, तुम्हारी अनाद बतावे से, तू तुम्हारी अनाद बतावे से, तने अपनी खता बताई नहीं। मेरे जितनी और किसे में देवर मिला समाई नहीं। मेरे जितनी और किसे में देवर मिला समाई नहीं। अरे तुझसे ज्यादा क्या तेरे बराबर किसे में समाई कोन्या? ना ना, लेकिन लेकिन क्या? अरे तुझसे ज्यादा मारे कुल में, तुझसे ज्यादा मारे कुल में और पद जात लुगाई नहीं। उल्टा सीधा बेकायदे तो मत बोले, मैं आती तेरी कमाई नहीं। उल्टा सीधा मत बोले, मैं आती तेरी कमाई नहीं। तेरे जैसे मुजरिम पे, तेरे जैसे मुजरिम पे बता कौन दया जल्लाद करे?
केरो खुशी मनाएंगे। सृष्टि के रचने वाले जन क्या क्या खेल खिलावेंगे। सृष्टि के रचने वाले जन क्या क्या खेल खिलावेंगे। तेरा नंगा नाच देख के रे 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 रे। नहीं किसे में जोरे साजो गंगा जी में बात करे में सबों में जाने लायक ना मेरी जुई जत बर्बाद करे। गुरु मान सिंह